बैंक का भूतिया चपरासी। राजस्थान के भीलवाड़ा के पास एक छोटा सा गांव दुर्गापुर था। दुर्गापुर के सरहद पर एक पुराने बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से जर्जर थी। उसकी दीवारें बिल्कुल काली हो चुकी थी, मानो कभी किसी आग ने उस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया हो। उसी बिल्डिंग के पास एक पार्क था जहां बच्चे अक्सर खेला करते थे, पर लोगों को उस बिल्डिंग के करीब जाने की मनाही थी। ऐसे ही एक दिन जब बच्चे वहां खेल रहे थे, अरे मोनू, पापा मम्मी हमें उस बिल्डिंग के पास क्यों नहीं जाने देते, और ये बिल्डिंग इतनी काली क्यों है? तुझे नहीं पता क्या, लोग कहते हैं कभी इसमें भूत हुआ करते थे। भूत भूत कुछ नहीं होता, मैंने तो कई बार उस बिल्डिंग में एक अंकल को घूमते हुए देखा है। अरे सोनू ऐसा मत बोल, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जरूर उस चपरासी की आत्मा होगी। कौन चपरासी? कैसा चपरासी? फिर मोनू एक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक बार की बात है, बहुत साल पहले गांव में शहर से कुछ लोग आते हैं और जोर शोर से बैंक बनाने की तैयारियां शुरू होती है। गांव वालों में से एक आदमी बिल्डिंग के पास खड़े एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, ये कोनो सिनेमा हॉल खोलने वाले हो का हम लोग उनके गांव में? अरे नहीं नहीं, यहाँ बैंक खुलने वाला है। बैंक का चीज है भाई, पहली बार सुने? अब सारे गांव वाले अपने पैसों को यहाँ सुरक्षित जमा कर पाएंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी बैंक से लोन ले सकेंगे और धीरे धीरे चुका देंगे। अरे बैंक हमको उधार देगी, वाह वाह अच्छा काम है। अरे जल्दी जल्दी शुरू करो, अब बिटिया की ब्याह की चिंता जो नहीं करनी पड़ेगी, उस जमींदार को जमीन भी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। गांव के सभी लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। अब उन्हें जमींदारों के पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, अब उनकी गिरवी रखी हुई जमीन बैंक में सुरक्षित रहने वाली थी। बैंक बनकर तैयार हो जाता है और बैंक का कामकाज शुरू हो जाता है। गांव का एक आदमी रामलाल बैंक में चपरासी का काम करने लगता है, सब अच्छे से चल रहा होता है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है और फिर एक दिन, साहब हमको लोन लेना था, तुम्हारे पास क्या प्रॉपर्टीज है? शो मी द पेपर, मतलब मुझे कागजात दिखाओ। हमारे पास तो एक घर है जो कि भाड़े का है, बेटी की शादी करानी है, मैनेजर साहब मदद कर दीजिए ना। देखो दया धर्म से कामकाज नहीं चलता रामलाल, तुम मेरे कोई रिश्तेदार हो नहीं कि मैं तुम्हें बिना पेपर्स के लोन दे दूं। अरे साहब अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो मेरी बेटी की डोली नहीं उठ पाएगी, बड़ी मुश्किल से उसके लिए एक लड़का मिला है। इस बार अगर मेरी बेटी की डोली नहीं उठी तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी साहब। सर आप क्या इस भिखारी से बात करने में लग गए, बहुत काम पेंडिंग है। गार्ड्स इस चपरासी के बच्चे को यहाँ से बाहर निकालो और इसका हिसाब किताब करके इसे नौकरी से निकाल दो। ऐसे काम चोरों की हमारे बैंक में कोई जरूरत नहीं है। बैंक के गार्ड्स धक्के मारकर रामलाल को बैंक से निकाल देते हैं। लोन तो उसे नहीं मिल पाता, उल्टा उसकी नौकरी भी चली जाती है। पैसे का इंतजाम ना हो पाने के कारण रामलाल की बेटी की डोली नहीं उठ पाती और वो गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। रामलाल इस सदमे को सह नहीं पाता और दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो जाती है और बाद में उसकी रूह भटकने लगती है। सर आपको पता चला कि नहीं, वो रामलाल हमारा चपरासी, कल रात ही उसकी मौत हो गई। क्या फर्क पड़ता है, जिंदा रहकर भी कौन सा कोई बड़ा काम करने वाला था वो। अनुज ये बात कह ही रहा होता है कि तभी अचानक अनुज के पीछे लगा ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो जाता है। अचानक ट्यूबलाइट के ब्लास्ट होने के कारण सब डर जाते हैं। अरे तुम लोग घबरा क्यों गए, लगता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर चेक करा लो। शाम ढल जाती है, बाकी सारे कर्मचारी घर चले जाते हैं, पर कुछ जरूरी काम बाकी रह जाने के कारण अनुज और रोहित बैंक में ही रुकते हैं। रात के 9 बजे हैं, तभी बैंक में एक आदमी आता है जिसके कपड़े बहुत गंदे थे, काफ़ी बुजुर्ग लग रहा था। हाथ में लाठी लिए वो अनुज के कैबिन में जाता है। उसका चेहरा कपड़े से ढका होने के कारण शक्ल पहचान पाना मुश्किल था। अरे अरे कहाँ घुसे आ रहे हो गार्ड्स, तुमसे तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं होती क्या? कौन आदमी ये पागल अंदर घुसा रहा है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं?
साहब हमको एक नौकरी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हालत देखिए अपनी, तुम्हें तो कोई अपने पास खड़ा भी ना करे। चपरासी का ही काम कर लेंगे साहब, बहुत गरीब है हम, अगर आपने कोई काम नहीं दिया तो हम यहीं जान दे देंगे। चपरासी? अच्छा ठीक है ठीक, वैसे भी हमें एक चपरासी की ज़रूरत है। तुम कल से अपनी हालत ठीक करके काम पर आ सकते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रामलाल साहब। ये कहते ही रामलाल ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया और अपने भूतिया रूप में अनुज के सामने आ जाता है। वाह साहब, मेरी ईमानदारी का ये सिला दिया आपने मुझे। मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी, मैं उसके गम में मर गया और तुम जिंदा रहोगे। ये तो मैं होने नहीं दूंगा। रामलाल अनुज के पीछे अलमारी को देखता है और वो अलमारी अनुज के ऊपर गिर जाती है। अनुज वही मर जाता है। तभी उस कमरे में रोहित आता है। अलमारी अपनी जगह पर थी। दीवार की तरफ चेहरा करके अनुज की जगह पर चेयर पर रामलाल बैठ जाता है। सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। एक मिनट रोहित, टेबल पर एक पेपर पड़ा है, जरा उसे पढ़ लो। रोहित मरने वाला है, इसमें क्या लिखा है सर? मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या आप? तभी रामलाल चेयर घुमाता है और अपना चेहरा रोहित को दिखाता है। रामलाल के मुंह में खून लगा हुआ था, उसके सर पर चोट का निशान था। रामलाल तुम तो मर चुके थे ना? मरा नहीं था, तुम लोगों की बेरहमी के कारण मरना पड़ा। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। जितना गुनहगार अनुज है उतने ही गुनहगार तुम भी हो, उसे तो मैं मार ही चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी। रोहित घबरा जाता है और बैंक से बाहर भागता है। वो बिना रुके बस भागता ही जाता है। भागते भागते हाईवे पर पहुंचता है, जहाँ उसे अंधेरे में एक आदमी रोड के किनारे बैठा वो हाफते हाफते उससे कहता है, भाई तेरे पास पानी होगा क्या? वो आदमी पानी का बोतल रोहित के आगे बढ़ाता है और जैसे ही उसका हाथ देखता है वो चीख उठता है। उसका हाथ जला हुआ था और बोतल में पानी की जगह खून था। मैं हूँ साहब, आपको क्या लगा मुझसे बचकर भाग जाएंगे? रोहित अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी एक गाड़ी उसे कुचलती हुई चली जाती है। फिर अचानक बैंक में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। अब इसके बाद भी तुझे उस बिल्डिंग के पास जाना है, बता। चल चल यहाँ से मोनू, मुझे यहाँ नहीं खेलना। सोनू मोनू वहां से चले जाते हैं। सोनू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फिर से एक आदमी बिल्डिंग में मुस्कुराता हुआ दिखता है। शायद वो चपरासी आज भी अपना काम वफादारी से कर रहा है।